आज हम बनाएंगे बूंदी की कढ़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बूंदी ले ली है। मार्केट में बूंदी 2 तरह की आती है, एक मसाले वाली और दूसरी बिना मसाले वाली। मैंने आज बिना मसाले वाली बूंदी का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी के लिए दोनों में से किसी भी बूंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कप दही ली है। कढ़ी बनाने के लिए आप खट्टी दही का इस्तेमाल करें, इससे कढ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। 1/4 कप बेसन लिया है। कढ़ी में बघार लगाने के लिए यहाँ पर मैंने जीरा, राई, मेथी के दाने और लौंग ले लिए हैं। साथ में ही करी पत्ता और एक हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी बारीक काट कर ले लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में दही डाल देते हैं, बेसन भी डाल देंगे। अब साथ में ही कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे 1 लाइक ज़रूर कर दें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें 2 टीस्पून तेल डाल देते हैं। और अब तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि बघार की सामग्री ना जले। इसे डाल देते हैं। लौंग उछलकर बाहर की तरफ आते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो अब आप देख सकते हो हमारे 2 लौंग बाहर भाग चुके हैं। अब करी पत्ता भी डाल देते हैं। करी पत्ते की जगह पर आप तेज पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हींग भी डाल देंगे, भून लेंगे। कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देते हैं, भून लेंगे। इन्हें हमें लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। और अब लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है, दही और बेसन वाला मिश्रण एक बार मिक्स करके डाल देते हैं। इसे लगातार चलाते हुए 1 उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमें इसे 1 उबाल आने तक लगातार चलाते ही रहना है, वरना दही के फटने के चांसेस रहते हैं। और अब कढ़ी में उबाल आने लग गया है। आप देख सकते हो इसमें बबल्स आने लग गए हैं। तो इस स्टेज पर इसमें 6 कप पानी डाल देंगे। जिस कप से दही नाप कर लिया था उससे ही 6 कप पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मिक्स करते हुए चला देंगे, फ्लेम को हाई कर लें और बीच बीच में चलाते हुए इसे 1 उबाल आने देंगे। आप इस रेसिपी को कहाँ से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। और अब कढ़ी में उबाल आने लग गया है, एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। अब इसमें बूंदी डाल देते हैं, मिक्स करते हुए चला लेंगे। स्वादानुसार नमक भी इसी स्टेज पर डाल देंगे। कढ़ी के एक बार अच्छी तरह से उबाल आने के बाद ही नमक ऐड करें, इससे दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे 10 से 12 मिनट तक उबलने देंगे, क्योंकि कढ़ी को जितनी अच्छी तरह से उबालो ये उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। बीच बीच में चलाते भी रहें। इसके स्पैचुला को इसी तरह से कढ़ाई में ही छोड़ दें। ऐसा करने से कढ़ी उबल कर बाहर नहीं आती। और अब इसे मैंने 10 मिनट तक उबाल लिया है, एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। अभी ये आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, पर कढ़ी बनने के बाद भी जैसे जैसे ये ठंडी होती है गाढ़ी भी होती जाती है, इसलिए बनाते वक्त इसे पतला ही रखेंगे। हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला देंगे। इस कढ़ी को आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो।
पर इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें देसी घी का तड़का लगा देंगे। तड़का पैन गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अब घी गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देंगे, करी पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च को भी मैंने तोड़कर डाल दिया है, हींग भी डाल देंगे, कटे हुए लहसुन भी डाल देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है, अब लास्ट में इसमें कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। इस तरह से लास्ट में इन सारी चीज़ों को मिलाकर तड़का लगाने से कढ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब कढ़ी में तड़का लगा देते हैं, तुरंत ही इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ढक देंगे ताकि तड़के का सारा टेस्ट कढ़ी में अच्छी तरह से आ जाए। और अब ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनकर तैयार हुई है। इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप चावल के साथ सर्व करें, बूंदी से गार्निश कर लेते हैं। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।